हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सोनभद्र। सोनभद्र जो हाल फिलहाल से बहुत चर्चा का विषय है, तो उसमें देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे सोनभद्र का। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे सोनभद्र का सोना चर्चा में क्यों है, नए स्वर्ण अयस्क भंडार के बारे में, सोनभद्र कहाँ है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहले देखते हैं सोनभद्र चर्चा में क्यों है। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में लगभग 3000 टन स्वर्ण अयस्क यानी गोल्ड ओर भंडार खोजा गया है। यह भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग यानी UPDGM द्वारा खोजे गए हैं। खोजा गया भंडार भारत के मौजूदा कुल गोल्ड रिजर्व के 5 गुना है। अब देखते हैं नए स्वर्ण अयस्क भंडार के बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में 2 गोल्ड ब्लॉक पाए गए हैं। पहला गोल्ड ब्लॉक है सोन पहाड़ी। यह लगभग 2943.26 टन स्वर्ण अयस्क मिलने का अनुमान है। दूसरा है हरदी। यहाँ लगभग 6446.16 किलोग्राम स्वर्ण अयस्क मिलने का अनुमान है। नए स्वर्ण अयस्क भंडार का कुल मूल्य लगभग 12 लाख करोड़ आंका गया है। नए गोल्ड ब्लॉक की नीलामी जल्द ही ई टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। GSI ने 1992 और 1993 में सोनभद्र में स्वर्ण भंडार पर खोज का कार्य शुरू किया था। सोनभद्र जिला 1989 में मिर्जापुर जिले से अलग हुआ। सोनभद्र जिला कैमूर रेंज के पठार पर स्थित यह जिला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। भारत में सोनभद्र ही केवल ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है। पश्चिम यानी वेस्ट में मध्य प्रदेश, दक्षिण में साउथ में छत्तीसगढ़ को छूती है और दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में झारखंड को छूती है और पूर्व यानी ईस्ट में बिहार को सोनभद्र का सीमा छूती है। सोनभद्र जिले यानी इस जिले में 3 किले हैं, अघोरी किला, विजयगढ़ किला और सोद्रीगढ़ किला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्तमान में स्वर्ण उत्पादन के मामले में कर्नाटक प्रथम राज्य है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और हीरा बुद्धुदनी खदान विश्व प्रसिद्ध खदाने हैं। क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा जाता है जो कोलार खदान कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कर्नाटक में। भारत की सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार धरवार शैलक्रम की चट्टानों में पाया जाता है। वर्तमान में गोल्ड रिजर्व के मामले में USA 8133.5 टन के साथ पहले स्थान पर है तथा जर्मनी 3366 टन के साथ दूसरे स्थान पर है। सोनभद्र में गोल्ड रिजर्व मिलने के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा। अब हमने सोनभद्र में जो भी जानकारी अभी पढ़ी है उसके बाद कुछ MCQs करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिला 1989 में किस जिला से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चंदौली, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो सोनभद्र जिला 1989 में मिर्जापुर से अलग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खोजा गया स्वर्ण भंडार भारत के मौजूदा स्वर्ण भंडार का कितना गुना है। ऑप्शन नंबर ए 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी 5 गुना या ऑप्शन नंबर डी 7 गुना। तो खोजा गया स्वर्ण भंडार भारत के मौजूदा स्वर्ण भंडार से कितना गुना है, तो आंसर है हमारा 5 गुना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड रिजर्व के मामले में विश्व में प्रथम देश कौन सा है, यानी पूरे विश्व में गोल्ड रिजर्व किन के पास सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए USA। USA के पास गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है और जर्मनी दूसरे नंबर की है।
लेकिन सोनभद्र का गोल्ड जितना मिला है तो भार है, तो दूसरे नंबर का गोल्ड रिजर्व वाला देश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र में गोल्ड मिलने के बाद भारत दुनिया के कौन से नंबर का गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, या ऑप्शन नंबर डी चौथा। अभी हमने देख पढ़ा था ऊपर, सोनभद्र गोल्ड मिलने के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर का गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले में कौन सा किला इनमें से नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, उनमें से कौन सा किला सोनभद्र में नहीं है? अघोरी किला ऑप्शन नंबर ए, बी विजयगढ़ किला, ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ किला, या ऑप्शन नंबर डी शोरद्रीगढ़ किला। तो हमारा आंसर होगा रायगढ़ का किला सोनभद्र जिले में नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों। अब ये अब बताइए आप लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को बटन को दबाइए। थैंक यू।